गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा क्लास फाइव में आज चैप्टर फोर कर्म कारक पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? कारक का दूसरा भाग, कर्म कारक। एक में आप लोग कर्ता कारक पढ़ चुके हैं, अब ये है कर्म कारक। तो अब देखिए नीचे, जिस वस्तु या मनुष्य पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिसे क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिससे किसी वस्तु पर या मनुष्य पर जो कार्य होता है उसका फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम पत्र को लिखता है या मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक को पुस्तकम, मैं किस चीज़ को पढ़ता हूँ? पुस्तक को। तो मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? पढ़ने का। तो उसका फल किस पर पड़ रहा है? मुझ पर। तो इसीलिए मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। तो पुस्तक को, अब देखिए यहाँ कर्म कारक में कौन सा विभक्ति लगता है? द्वितीय विभक्ति, रामम पत्रम। अब द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को। द्वितीय विभक्ति में क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति और इसका चिन्ह हो जाता है को। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह ने। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति और चिन्ह हो गया को। किसी किसी वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अब कभी कभी को दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ जैसे राम पत्र लिखता है, यहाँ पत्र लिखता में से ही हमको समझ में आ जाता है कि राम किस चीज़ को लिख रहा है। तो यहाँ को छुपा हुआ है, यहाँ हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? को। राम पत्र को लिखता है। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाया है, तो आप उसको देख लीजिए। राम पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है। राम क्या है? एक वचन में, और पाठम यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गया पाठम। राम पाठ को, द्वितीय विभक्ति पाठम पठति, और राम के साथ पठति। तो यहाँ जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी का क्रिया भी रहेगा, इसीलिए रामः प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया भी हो जाएगा। रामः पठति, और उसमें लगा दिया पाठम, तो रामः पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है। सोहनः निबंधम स्मरति, सोहन निबंध को याद करता है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, सोहन निबंध याद करता है, को साइलेंट रख सकते हैं। श्याम श्रुत लेखम लिखती, श्याम सुनकर लिखता है। श्याम क्या करता है? सुनकर के लिखता है। बालो फले खादता, बालो मने दो बालक, बालह मने एक बालक, बालो मने दो बालक, फलम मने एक फल, फले मने दो फल, खादता माने दो खाते हैं। तो दो बालक दो फल खाते हैं। जनौ माने दो लोग, ईश्वरम माने ईश्वर भगवान, भजता माने भजन करते हैं। तो जनौ भजता, यहाँ देखिए क्रिया कर्ता द्विवचन का है, तो क्रिया भी द्विवचन का, कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन का। देखिए कृष्णौ चित्रे पश्यतः, दो किसान दो चित्र को, चित्रम माने एक चित्र, चित्रे माने दो चित्र, पश्यतः माने दो देखते हैं, दो किसान दो चित्र को देखते हैं। वैज्ञानिका अन्वेषणम कुर्वन्ती, वैज्ञानिक का है बहुवचन, तो अनेक वैज्ञानिक, अन्वेषण माने खोज, अनेक वैज्ञानिक खोज करते हैं। कुर्वन्ति यहाँ
अनेक बहुवचन है, यानी यहाँ कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। तो वैज्ञानिका, अनेक वैज्ञानिक। अन्वेषणम, अन्वेषण माने खोज करना या फिर आविष्कार करना, कुछ नया खोजना। कुर्वंती, करते हैं। वैज्ञानिक अनेक है तो कुर्वंती, अनेक करते हैं। अनेक वैज्ञानिक खोज करते हैं। सैनिका, देशम रक्षन्ति। अनेक सैनिक देशों की, देश की, एक देश, अनेक सैनिक देश की रक्षा करते हैं। यहाँ भी बहुवचन का है कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन। कुंभकारा, मृतिका पत्राणि रचयन्ति। कुम्हार, कुंभकारा माने अनेक कुम्हार। मृतिका, मिट्टी के पात्राणि, पात्र माने बर्तन, और पात्राणि तो पात्रम, पात्रे, पात्राणि, अनेक बर्तन, अनेक मिट्टी के बर्तन। रचयन्ति, बनाते हैं। अनेक कुम्हार मिट्टी के पात्राणि, अनेक बर्तन बनाते हैं। अनेक कुम्हार मिट्टी के अनेक बर्तन बनाते हैं। माता बालकम पश्यति। माता बालकम पश्यति, माता बालक को देखती है। पश्यति माने देखना। बालकौ फले खादता। बालकौ, दो बालक, फले, दो फल, खादता, खाते हैं। दो बालक दो फल को खाते हैं। बालकौ फले खादता, दो लड़के दो फल को खाते हैं। बालिका पुष्पान जिख्रन्ति। बालिका माने अनेक लड़कियां फूलों को, जिघ्रंती माने सूंघती हैं, सूंघना, जिघ्रंत माने सूंघना, तो अनेक लड़कियां फूलों को सूंघती हैं। यहाँ सभी बहुवचन के हैं, बालिका भी, पुष्पाणि भी, जिघ्रंति भी। कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन का ही होगा, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष का क्रिया भी होगा, और जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन का क्रिया भी होगा। पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया होता है, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का भी पुरुष और वचन का क्रिया होगा, क्रिया का पुरुष और वचन का होगा। चलिए अब देखिए, सह गीतम गायति, वह गीत गाता है। तम पत्रम लिखसी। सह देखिए, सह क्या है, सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का ही क्रिया का प्रयोग हुआ। ती, सह गायति, वह गाती है। सह गीतम गायति, वह गीत गाती है। तुम पत्रम लिखसी, अब देखिए यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तुम, तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा, इसीलिए इसके साथ क्या लग गया, सी। तो यहाँ क्या होगा, तुम पत्रम लिखसी, इसीलिए इसका, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम पत्र को लिखते हो। अब देखिए यहाँ, अहम भोजनम खादामी। अब यहाँ देखिए अहम के साथ क्या लगेगा, मी। अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही होगा, अहम के साथ मी। तो अहम भोजनम खादामी, मैं भोजन करता हूँ या भोजन खाता हूँ। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ, अस्मरति याद करता है। फले दो फल। श्रुति लेखम सुनकर लिखना। अन्वेषणम खोज करना। कुंभकारा बहुत से कुम्हार। मृतिका मिट्टी के। पात्राणि बहुत से बर्तन। रचयन्ति बनाते हैं। जिघ्रन्ति सूंघती हैं या सूंघते हैं। खादामि खाता हूँ। खादामि माने मैं खाता हूँ। मी है तो मैं, सी रहेगा तो तुम, ती रहेगा तो वह खाता है, इस तरह से। ये आप समझ गए होंगे, ओके। अब आप लोग कारक के बारे में लिख लिए थे, कारक का डिफिनीशन, उसके आठ प्रकार लिख लिए थे। अब उसमें कर्ता कारक का डिफिनीशन लिख लिए होंगे, और ये जो लेसन है मैंने जो पढ़ाया, अब आपको मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है,
मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग इसको अपनी कॉपी पे वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, उसको याद कर लेंगे और यहाँ इसका ट्रांसलेशन करेंगे। आप अपने कॉपी में यहाँ जितना भी है ना, उस सबको पहले एक लाइन लिखेंगे, राम पाठम पठति, और उसका नीचे में फिर हिंदी अनुवाद करेंगे, जैसे राम पाठ को पढ़ता है, ऐसे ही सारे लाइन को लिखकर एक एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद सारे का आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। मैंने समझा ही दिया है, आप सुने होंगे ध्यान से, आप कोशिश करिएगा, सारा हो जाएगा। ओके, और डिफिनीशन लिख लीजिएगा, चिन्ह और विभक्ति याद कर लीजिएगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ जैसे द्वितीया विभक्ति है, तो द्वितीया विभक्ति में क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग को, तो यहाँ देखिए पाठम निबंधम श्रुतलेखम, ये सब द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ओके चलिए, ओके बाय।